हेलो एवरीवन, वेलकम टू तृप्ता इनोवेशंस। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप रिलाय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सेल्स सिलेक्टिव रिपोर्ट को कैसे व्यू कर सकते हैं। रिलाय में सेल्स रिपोर्ट निकालने के लिए हम यहां पे रिपोर्ट्स सेल सिलेक्टिव पे एंटर करेंगे। यहां पे आपको जिस डे बुक की रिपोर्ट व्यू करनी हो उसे स्पेस बार की प्रेस करके सिलेक्ट या डीसेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे मल्टीपल डे बुक्स को सिलेक्ट करके भी रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ सेल्स जीएसटी की डे बुक की रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सेल्स डे बुक को डी सिलेक्ट कर देंगे, स्पेस बार की प्रेस करके एंटर कर देंगे। नेक्स्ट वाइज डेट अकाउंट डिलीवरी ब्रोकर हस्ते सिटी स्टेट, जिस वाइज आपको रिपोर्ट चाहिए हो उस पे एंटर करना है। हम यहाँ पे डेट वाइज रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे डेट पे एंटर कर रहे हैं। कॉलम रो हेडिंग लिस्ट, यहाँ पर अगर आपने सेल्स में कॉलम रो हेडिंग यूज की हो तो उसकी लिस्ट आ जाएगी, और अगर उसमें पर्टिकुलर कोई एक कॉल रो हेडिंग की रिपोर्ट देखनी हो तो उसके अलावा की कॉलम रो हेडिंग को लिस्ट में से डिलीट कर देना है, और अगर सभी की रिपोर्ट व्यू करनी हो तो एंटर कर देना है। नेक्स्ट सिलेक्शन बॉक्स, यहाँ पर रिपोर्ट में जो फील्ड चाहिए या नहीं चाहिए उसे प्लस माइनस की से टिक अनटिक कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर डिस्काउंट पर टिक कर रहे हैं और यहाँ पर आइटम समरी को अनटिक कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शंस, ऑप्शन बॉक्स में भी जिस ऑप्शन को टिक अनटिक करना है वो प्लस माइनस की प्रेस करके कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर इन्वेंट्री यानी कि रिपोर्ट में आइटम डिटेल चाहिए तो इसको टिक कर देंगे, और फिर उसमें कौन कौन से यूनिट चाहिए वो टिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे एंटर कर देंगे। पीरियड, जिस डेट से लेके जिस डेट तक की सेल्स रिपोर्ट देखनी हो वो पीरियड यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। रिपोर्ट टाइप, यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए गए हैं। नॉर्मल, अगर नॉर्मल रिपोर्ट व्यू करनी हो तो इस ऑप्शन पे एंटर करना है। CR हेड वाइज, अगर रिपोर्ट में कॉलम रो हेडिंग वाइज अलग अलग कॉलम बनाना हो तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। विद एडजस्टमेंट डिटेल्स, अगर इनवॉइस के सामने जो पेमेंट एडजस्ट किया है वो रिपोर्ट में व्यू करना हो तो ये ऑप्शन पे एंटर करना है। हम यहाँ पे नॉर्मल पे एंटर कर रहे हैं। स्टेट, अगर सभी स्टेट्स का रिपोर्ट देखना हो तो ऑल ऑप्शन रखना है, और अगर सिलेक्टेड स्टेट्स का रिपोर्ट देखना हो तो सिलेक्टेड पे एंटर करके स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अकाउंट, सभी अकाउंट्स की रिपोर्ट के लिए ऑल ऑप्शन पे एंटर करना है, और अगर सिलेक्टेड अकाउंट्स की रिपोर्ट व्यू करनी हो तो सिलेक्टेड ऑप्शन पे एंटर करके अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आइटम, सभी आइटम्स की रिपोर्ट देखनी हो तो ऑल ऑप्शन पे एंटर करना है, और अगर सिलेक्टेड आइटम्स की रिपोर्ट देखनी हो तो सिलेक्टेड पे एंटर करके आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन, सभी स्क्रीन्स की रिपोर्ट के लिए ऑल ऑप्शन पे एंटर करना है, और अगर सिलेक्टेड आइटम स्क्रीन्स की रिपोर्ट व्यू करनी हो तो सिलेक्टेड पे एंटर करके आइटम स्क्रीन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इनवॉइस टाइप, अगर सभी इनवॉइस टाइप्स की रिपोर्ट देखनी हो तो ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और अगर जीएसटी के हिसाब से पर्टिकुलर किसी इनवॉइस टाइप वाइज रिपोर्ट देखनी हो तो यहाँ पे सिलेक्टेड ऑप्शन पे एंटर करके B2B, B2C या एक्सपोर्ट्स, जिस इनवॉइस टाइप की रिपोर्ट व्यू करनी हो उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ स्पेस बार की प्रेस करके आप इनवॉइस टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इनवॉइस सब टाइप, सेम इनवॉइस टाइप के जैसे अगर सभी इनवॉइस सब टाइप्स की रिपोर्ट व्यू करनी हो तो ऑल ऑप्शन पे एंटर करना है, और अगर कोई पर्टिकुलर इनवॉइस सब टाइप की रिपोर्ट व्यू करनी हो तो यहाँ पे सिलेक्टेड ऑप्शन पे एंटर करके इनवॉइस सब टाइप को स्पेस बार की प्रेस करके सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सप्लाई टाइप, सभी सप्लाई टाइप्स की रिपोर्ट देखनी हो तो ऑल ऑप्शन पे एंटर करना है, और अगर सिलेक्टेड सप्लाई टाइप की रिपोर्ट व्यू करनी हो तो सिलेक्टेड पे एंटर करके यहाँ पे स्पेस बार की प्रेस करके गुड्स, कैपिटल गुड्स या सर्विस ऑप्शन में से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंटर कर देंगे। अगर रिपोर्ट को सिर्फ व्यू करना हो तो स्क्रीन ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर करना है,
अगर व्यू करके प्रिंट करना हो तो फाइल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और अगर व्यू किए बिना प्रिंट करना हो तो प्रिंटर ऑप्शन पे एंटर करना है, और अगर रिपोर्ट से एग्जिट होना हो तो एग्जिट ऑप्शन पे एंटर करना है। हम यहाँ पे फाइल ऑप्शन पे एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे रिपोर्ट आ गई है। इसको प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे एक बार एस्केप की को प्रेस कर देंगे और यहाँ प्रिंट ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। आपकी रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगी। अगर आपको इस रिपोर्ट को एक्सेल, वर्ड या पीडीएफ या और किसी फॉर्मेट में सेव करना हो तो यहाँ पे सेंड टू पे एंटर करके जिस फॉर्मेट में रिपोर्ट सेव करनी हो उस पे एंटर कर देना है। इस तरह से हम रिलाय में सेल सिलेक्टिव रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।